वेलकम टू माय टेस्टी फूड किचन। मैं हूँ मोहम्मद अहमद और मैं हूँ पकीजा एग पोटैटो कटलेस और ये होंगे बहुत यम्मी और ये किसी ने नहीं बनाए। यस बस हमें चाहिए होंगे एग पोटैटो कटलेस के लिए 2 eggs, 2 onions, 2 potatoes। अब हमें आलूओं को क्रश करना पड़ेगा एग कटलेस के लिए और हमें उसके बाद चाहिए होंगे 2 onions और हमें इसको भी क्रश करना होगा। अगर आपके पास क्रशर नहीं है तो आप प्याज के 2 आधे हिस्से करके तो ये आलू छीलने वाली कटर से इसको आप कर सकते हैं क्रश, जिस तरह के ये लंबा लंबा। ये बहुत इजी रेसिपी है, ये जैसा कि हम दोनों बहन भाई हैं पकीज़ा, हम दोनों हम भी ये डिश बना रहे हैं इस टाइम। इसलिए डिश बहुत टेस्टी है, ये छोटे से छोटा बच्चा भी बना सकता है, बहुत इजी है। आप अपने बच्चों को सिखाएं, बहुत मजे की है ये। और इसको लाइक करना मत भूलिएगा। और 2 अंडे ठीक है, क्योंकि अब हम लोग लेंगे 3 अंडे क्योंकि ये आलू बहुत ज्यादा थे, ज्यादा हो गए, बड़े बड़े थे। तो फिर उसके बाद हमने ले लिए 3 eggs। तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास देसी मुर्गी के अंडे नहीं, ये है देसी मुर्गी के अंडे, तो अगर आपके पास देसी मुर्गी के अंडे नहीं तो आप वैरायटी भी ले सकते हैं, कोई मुसीबत नहीं। आप फिर उसके बाद हमने आपको बताए थे प्याज छील लेंगे, 2 tips बताई थी ना, एक था वो जो जिसे आलू छीलते हैं वो, और वो जो क्रशर है उसे, वो 2 हमने आपको टिप्स बताई थी। तो अगर ये आप चैनल जरूर देखिएगा तो इसको लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। अब इसके अंदर डालूंगा हल्दी लेकर नमक। तकरीबन ये होगा 1 चम्मच होगा, छोटी जो चाय की चम्मच होती है वो आपने डालनी है। अभी मैं डाल रहा हूँ ब्लैक पेपर, आधी चम्मच ब्लैक पेपर, थोड़ी सी और डालनी ब्लैक पेपर। चौथाई हिस्सा हम लोग अब चाइनीज सॉल्ट का डालेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमने फ्राई पैन में ऑयल भी डाल लिया है तो हम लोग आपको डालना सिखाएंगे। तो ये बहुत टेस्टी बनेंगे, तो अब आप खाएंगे तो आपको बहुत। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि आप ना हर चीज से पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बिस्मिल्लाह से बरकत भी पड़ती है और बिस्मिल्लाह से खाने का। अब मैंने टिक्कियों को पलट दिया है और इससे ज्यादा आपने जलाना नहीं है, ज्यादा हीट पर नहीं रखना वरना ये जो टिक्कियां हैं ये जल जाएंगी। देखिए ये जो जब हमने पलटाया था तो ये दूसरी साइड पर हम लोग, ये अभी कच्ची है, बिल्कुल हल्की हीट पर रखें ताकि जो बाहर से है ना वो जले ना और फिर अंदर से कच्चा रह जाएगा अगर आपको बाहर से जल जाएगा तो, इसलिए हल्की हीट पर रखें ताकि वो अंदर से भी पक जाए। अब हमने एग कटलेस रेडी कर लिया है, तो बहुत टेस्टी है, अगर आप खाना चाहें तो खा सकते हैं। जैसे कि आप ये हरी चटनी और चिली केचप, और हमने घर में केचप खुद बनाई और ये इतनी टेस्टी है ना, आप इसके साथ खा सकते हैं। और अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह मजे के बने हैं। ओके अब मैं अपने छोटे भाई के मुंह में डालने लगी हूँ और ये मुझे बताएगा कि कैसे बने हैं। बहुत यम्मी टेस्टी, बहुत ये बहुत टेस्टी बने हैं, आप खाए तो बहुत आपको मजा। फूड चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक भी तो करें और नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट दें और बताएं कि कैसा बना है। यस अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।